दरभंगा में आंखों के प्रसिद्ध डॉक्टर व शहर के जिला स्कूल के पास स्थित मॉडर्न आई केयर के मुख्य डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह ने आज बरसात में आंखों का केयर कैसे किया जाए इस पर पूरी विस्तृत जानकारी दी है। ये इसका नाक से पानी आना, उसके बाद सांस में लेने में तकलीफ होना, बुखार होना, ये जनरल सिम्टम है कोरोना का। मगर एक सिम्टम आँख में लाली भी है। अगर खुदा न खास के आँख लाल है और उसको वो हम हफ्ते दिन से नहीं जा रहा है। कोरोना का महामारी चल रही है और बरसात भी आ गई है, इसमें लोगों को कैसे रहने की सलाह दी? देखिए, कोरोना तो अपने आप में एक पैंडेमिक डिजीज़ है। ये पूरी दुनिया में इसका असर है और हिंदुस्तान में भी अब कम नहीं है। तो पहले क्या है कि आप जैसे पब्लिक प्लेस में जहाँ जाते हैं, ये वायरल डिजीज़ है, इसका अभी तक कोई दवा नहीं बना। जैसे कोई दवा खा लिया ये वायरस मर गया, ऐसा नहीं है। अभी इसके पीछे रिसर्च चल गया है। सबसे बड़ी चीज़ है अभी कि इसमें आप मिलना जुलना कम से कम कीजिए, पब्लिक के बीच कोशिश कीजिए कि नहीं जाए। अगर खुदा न खास्ता वैसे पेशा में जैसे हम लोग बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल, तो हम तो पूरे तौर पर इम्यून नहीं हो सकते हैं पब्लिक से। तो जो प्रिकॉशन है, जैसे मास्क भी प्रॉपर मास्क लगाना चाहिए, सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और तो जो आदमी आता है जिसको हम लोग देखते हैं उसको भी कहते हैं मास्क लगा के आइए, हम भी मास्क में रहें, और जितना पब्लिक है उनको भी कोशिश करें कि हमको भीड़ से बचाएं, और वो भी जाएं तो मास्क में जाएं। अच्छा, ये बताइए कोरोना का असर आँख पर भी पड़ता है क्या? आँख पर है कुछ कंजक्टिवाइटिस अभी तक। देखिए, मेन ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, नाक के जरिए जाएगा, लंग्स में जाता है, फिर उसके बाद बॉडी में उसका अपना असर दिखाता है। मगर आँख पर भी अभी नया रिपोर्ट सब आ रहा है कि आँख में भी ये लाली करता है। आँख लाल अगर है तो किसी वजह से उसकी लाली जा नहीं रही, तो उसको ज़रूर आँख वाले से दिखाना चाहिए। मरीज का ज़्यादा असर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, तो जैसे तेज़ बुखार हुआ, खांसी हो रही है, सांस फूल रहा है, बॉडी में कुछ नीलापन आ गया है, ये सब कोरोना का लक्षण है। तो उसका और दूसरी चीज़ देखिए, कोई भी इंसान को बीमारी हो जाए उसमें घबराना नहीं चाहिए। तो आधी बीमारी आदमी का जो आधा घेर जो बीमारी है उससे है, और आधा उसके घबराहट से। अब कोरोना होगा तो बच में कोरोना क्या है, जस्ट लाइक सर्दी खांसी, सार्स कोविड-19 है, वो सार्स ग्रुप का वायरस है, ये सिर्फ लिमिटिंग डिजीज है। अभी तक मान लीजिए अभी तक जितना भी डाटा आ रहा है हिंदुस्तान में, अगर 100 आदमी को हो जाता है तो इसमें 2.5 आदमी का मतलब कि मोर्टेलिटी रेट 2.5 है इसका, मतलब 2.5 आदमी बेचारे दुनिया से रुखसत होंगे। तो उसमें कुछ डर का भी रोल होता है, तो ज़्यादातर आदमी को ठीक होना ही है, डरना पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर है इसको तो डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर को भी एक इंसान की तरह इसको ट्रीट करना है। ये नहीं कि कोरोना खुदा न खास की तरह इंसान है ना, इंसान है, उसकी जो प्रॉपर इलाज है वो होना चाहिए। आँख की सुरक्षा की सलाह कैसे देंगे आप? अब आँख में कोरोना में तो नहीं, ओवरऑल देखिए कोरोना में से तो वही है जो सिम्टम, मान लीजिए जनरल आदमी कोरोना से कैसे बच सकता है, आप उसका जो बचने का तरीका है वही आँख में भी बचने का तरीका होगा। मगर ओवरऑल जो अभी सीजनल है, सीजनल बीमारी भी आँख में अभी ज़्यादा होने का चांस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगल है। अभी किसान को जोतने उतने का टाइम आ गया है, किसान अपने मतलब फसल लगाता है तो इसमें खेत में गया, खेत में कभी चोट लग गया तो चोट लगा तो उसको अपना सेल्फ मेडिकेशन नहीं कि कोई केमिस्ट के आँख दवा ले दिया आँख में डाल, तो जितनी लाली है उससे ज़्यादा उसको नुकसान करेगा। तो वहाँ की हिफाजत है कि अगर चोट उठ भी खुदा न खास्ते लग गया कभी, या किसी वजह से लाल है, तो अपने से दवा नहीं ले करके किसी दिन पर यकीन हो उनसे जाकर दिखाना चाहिए। चलिए डॉक्टर, आपने कीमती मशवरा दिया, शुक्रिया।